मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों की भूमि को उनकी सहमति के बिना ना लिया जाए। जबकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आला अधिकारियों का कहना है कि किसानों की भूमि को उनकी सहमति के बाद ही लिया जाएगा। पीतल उद्योग के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाला हमारा यह मुरादाबाद शहर तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भी मुरादाबाद के विस्तार को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि यह हमारा शहर मुरादाबाद एक्सपोर्ट हब है। यहाँ पर अधिकतर संख्या हस्तशिल्प कारीगरों की है। हम अपने शहर के नागरिकों को सस्ते दर पर जमीन दिलाने के लिए पहल कर रहे हैं। नया मुरादाबाद आवासीय योजना के सभी भूखंड सेल आउट हो चुके हैं, जिसको देखते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अब लगभग 11 गांव की भूमि को अधिग्रहण करने की रणनीति बनाई जा रही है और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से इन सभी 11 गांव के नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्राधिकरण कार्यालय पर 15 दिन का समय दिया गया है। भूमि अधिग्रहण की सूचना के प्रसारण के बाद ग्रामीण इलाकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भूमि अधिग्रहण की सूचना को लेकर किसान प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के इस पहल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी जनमानस में दिखाई दे रही हैं। सोमवार को कश्मीर तादाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचे किसानों ने जोरदार नारेबाजी की और एक ज्ञापन भी प्राधिकरण के सचिव को सौंपा, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि हमारी खेती की भूमि को हमारी सहमति के बिना ना लिया जाए और हमें हमारी जमीन का वाजिब मूल्य दिलाया जाए, अन्यथा कोई भी किसान प्राधिकरण को जमीन नहीं देगा। जिसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि भूमि का अधिग्रहण किसान की सहमति से किया जाना है। हमारा किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। हम मुरादाबाद के चहुमुखी विकास के लिए सभी कदम उठाएंगे। जब किसान भाई अपनी सहमति से हमें भूमि दे देंगे, हमने 15 दिन का समय दिया है। इन 15 दिनों के समय में आपत्ति दर्ज करने की बात कही जा रही है और जिन लोगों को कोई आपत्ति है वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगा। सोमवार को काफी तादाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे अलग अलग ग्राम पंचायत के किसानों द्वारा कहा गया कि भूमि अधिग्रहण पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अपनी रोशनी साफ करनी होगी। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसे में किसानों द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा भी भूमि को नहीं दिया जाएगा। जब तक भूमि का रेट ठीक ढंग से क्लियर ना हो, हम अपनी भूमि नहीं देंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता भी किसानों के साथ मौजूद रहे। उनके द्वारा भी नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि किसान की जमीनों को सस्ते दामों में खरीदा जा रहा है, जबकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसान से खरीदी जमीन को कई गुना डेट में बेच रहा है। इस दौरान किसानों के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें किसानों द्वारा अपनी बात को भारतीय किसान यूनियन के लेटर पैड पर लिख कर दिया गया। प्राधिकरण ने जो 8-10 गांवों की जमीन है, बिना 12 गांवों की जमीन है, बिना सूचना के गांव वालों को जब पता चला है, जब अखबार में उन्होंने नोटिफिकेशन देखा है कि भी हमारी जमीन का अधिग्रहण हो गया है। मैं कोई आज तक कोई भी एमडीए का बच्चा गांव में वार्ता करने के लिए नहीं आया, जबकि ऊपर से सरकार का कानून बना हुआ है, पहले गांव वालों से आप वार्ता करेंगे, उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, सचिन को ज्ञापन दिया। अभी हम आए थे सब गांव के लोग इकट्ठे होके, अभी हमारी और एक परसों को बड़ी रैली होने वाली है जो अम्बेडकर पार्क मुरादाबाद में हम करेंगे, और जो है आज हम सचिव से हमारी वार्ता हुई है, लेकिन हम सचिव स्तर से वार्ता नहीं करेंगे, हम डीएम स्तर से वार्ता करेंगे, कमीशन स्तर से वार्ता करेंगे। तो किसान यूनियन पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, तो किसान अपनी बात पे अड़े हैं। आज हम पहुंचे प्राधिकरण के एमडीए के कैंपस में। मामला ये है कि बगैर सूचना के किसानों को कोई जानकारी नहीं दी गई और जमीन एक्वायर करने लगे, और ये हमारी जमीन देंगे 80 लाख रुपए बीघा हेक्टेयर, और अपनी जमीन देंगे 32 करोड़ हेक्टेयर। तो किसान, सीधी बात यह है कि किसान अपनी जमीन देने के लिए इन्हें तैयार है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर किसान छोटे छोटे हैं इसमें, और वो इन्हें अपनी जगह भी बनानी,
अपने बच्चों का मतलब उन्हें खाने पीने के लिए जमीन देने के बाद में तो उन पर कुछ गुजारा रहेगा ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं करी किसान जी, नहीं ये एमडीए में 12 गांव होगा जिसमें हमारा मलगद्दा, डिडोला, डिडोरी ये सब गांव आते हैं। इसमें ये इन्होंने एमडीए बोल दिया था, ये लोग ये गांव एमडीए में आ चुके हैं। इनका हम इन एमडीए वालों को कोई जमीन देना नहीं चाहते। हम लोगों पर जमीन ही दो दो तीन तीन बीघे अगर इसको हम एमडीए वालों को दे देंगे तो हम जाएंगे। अच्छा क्या मामला है, क्यों आए हैं? यह है कि कुछ हमने प्लॉट ले रखे हैं किसी जमीन में, वो प्लॉटों के बारे में हम कहना चाहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके प्लॉट लिए हैं और वो नंबर भी इन्होंने इक्वायर कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे प्लॉट इक्वायर नहीं करे जाएं और हमें मकान बनाने या कारोबार करने के लिए परमिशन करना चाहेंगे। बस हमारे प्लॉट न लिए जाए। आपके प्लॉट किस जगह पर है? ये डिडोरी में। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे द्वारा कहा गया कि लोग गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, हमारा किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। अगर किसान भाई आपसी सहमति से हमें जमीन देते हैं तब उनकी जमीन को लिया जाएगा, और अगर किसान जमीन को नहीं देते हैं तो उनसे कोई हमारा कोई मतलब भी नहीं होगा। जमीन का अधिग्रहण किसान की सहमति से होगा, हम तो सिर्फ इस पूरे इलाके को डेवलप करना चाहते हैं। जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे किसान भाई भी खुशहाल रहेंगे और यहाँ पर कई तरह के उद्योग धंधे होने के साथ साथ सुगम यातायात व्यवस्था भी प्राधिकरण की प्राथमिकता में शामिल है। हमारा प्रयास है कि हम अपने मुरादाबाद की जनता को एक अच्छा शहर दें और कम कीमत पर दें। इसे उद्देश्य को लेकर 11 गांव की जमीन को अधिकृत करने पर विचार किया जा रहा है। किसानों की सहमति के उपरांत ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी कार्रवाई कर पाएगा। इसमें 11 गांव की जमीन हमारे यहाँ सम्मिलित की गई है और उसको अकॉर्डिंग लॉ जो है सर्वसम्मत से और सहमत के आधार पर हम उसको लेंगे और साथ ही साथ जो सुनियोजित प्लान है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि हम जमीन को देना चाहते हैं लेकिन बट अपने उस पर, तो हमारा पहले से ही कार्यक्रम है कि सहमति के आधार पर हम जमीन लेंगे। हम कोई भी जमीन अधिग्रहण या उसके तहत नहीं ली जाएगी। हमने किसानों को समझा दिया है कि आपकी जो का ये भी कहना है कि हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, कुछ छोटे किसान भी हैं। तो अगर जमीन नहीं देंगे तो ऐसा कोई प्रायोजन नहीं है कि जमीन नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। योजना बनाने के लिए निर्धारित है, जब चारों तरफ का डेवलपमेंट हो जाएगा तो मेरी आशा ये है कि वो भी इस कार्य से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विकास चाहता है और विकास की तरफ परिलक्षित होना चाहता है। तो आपके अनुसार अगर कोई किसान जमीन ना देना चाहे तो वो जमीन नहीं देगा, आप बाकी की जगह पे डेवलपमेंट कर देंगे? लेकिन जो जमीन नहीं देगा वो भी हमारे डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत होगा और वो नक्शा नियोजन और कंपाउंडिंग के कराने के लिए सुनिश्चित होगा, वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो वो भी हम सुनियोजित करेंगे। अगर जमीन नहीं देगा तो जहाँ डेवलपमेंट चाहेगा या योजना बनाना चाहेगा या वो मकान बनाएगा तो वो प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत। सर मुआवजे की बात करें तो किसान अगर मुआवजे की बात रखते हैं तो क्या मुआवजा बढ़ाया जाएगा? वो तो अकॉर्डिंग लॉ है कि देहाती क्षेत्र का जमीन का 4 गुना और नगरी क्षेत्र का 2 गुना सर्किल रेट का होता है और मैक्सिमम और सहमत के आधार पर हम किसानों से आपस में बात करके ही जमीन लेंगे। जो स्वेच्छा से देना चाहेंगे वो नहीं लेंगे। कब तक किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है सर? ये योजना थोड़ा सा इस पहल में है, अभी दावे आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। 20 तारीख तक जो भी किसान अपना सुझाव देना चाहें वो हमारा पटल निर्धारित है, उस पर आकर के अपने सुझाव और आपत्तियाँ दे सकते हैं, उन पर विचार करके निस्तारण किया जाएगा और सहमति के आधार पर उनको अवगत कराया जाएगा कि ये स्थिति आपकी आपत्ति की है और उसका निर्धारण करके। अपील ये करना चाहेंगे कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें मुरादाबाद का विकास होगा। जैसे नोएडा और NCR वगैरह के विकास हो रहे हैं उसी तरह से हम मुरादाबाद को अच्छे विकास की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करेंगे।